आपको मोटिवेट कर दिया, किसी ने भी आपको मोटिवेट कर दिया, आपने मोटिवेशन वीडियोस देख ली और आप बहुत मोटिवेट हो गए पढ़ने के लिए, आप चार दिन पांच दिन मोटिवेट रहेंगे, उसके बाद में फिर आपका मन करेगा नहीं यार आज तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिर डिसिप्लिन अगर आपके अंदर होगा तो आप उठ के पढ़ेंगे जरूर। मैं बॉटम लाइन याद रखिएगा हमेशा के लिए कि एक किताब को 10 बार पढ़ना इज बेटर देन 10 किताबों को एक बार पढ़ने से। आप दिस इज द क्राइम कि अगर आप एक किताब को ठीक से और स्टैंडर्ड बुक है उसको ठीक से नहीं जानते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते और दूसरी तीसरी चौथी बुक पे स्विच कर रहे हैं। ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस मेंटर। एक सिस्टमैटिक और अच्छे तरीके से पढ़ाई कैसे करनी चाहिए यूपीएससी के लिए, सबसे पहले तो आप अपनी प्रिपरेशन को, डेली की प्रिपरेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एन आर पी, एन मतलब न्यू लर्निंग, आर मतलब रिविजन एंड पी फॉर प्रैक्टिस। तो एन न्यू लर्निंग क्या होगा, न्यू लर्निंग मतलब यह है कि अगर आपने कोई क्लासरूम ज्वाइन कर रखा है कहीं पे तो वहां पे आप कुछ ना कुछ डेली नया सीखोगे, वो एक पार्ट हो गया न्यू लर्निंग का। दूसरा पार्ट यह है कि कुछ आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, हिंदू पढ़ोगे या कोई और न्यूज़पेपर, या कुछ बाहर से कहीं से कुछ पढ़ोगे, कोई यूट्यूब लेक्चर देखोगे कहीं पे, तो वो आपका न्यू लर्निंग होगा, उसके नोट्स वगैरह तैयार कर लो। ये डेली का है, पहले आपने आपसे पूछो आज आपने नया क्या सीखा। दूसरा रिविजन, रिविजन दो तरीके से होता है, एक होता है क्लास रिविजन यानी जो आज आपको क्लास में पढ़ाया गया आप जाके उसका रिविजन करिए, ठीक है, पहले सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए प्रायोरिटी। दूसरी चीज जो है क्या होगी कि जो आपने ओल्ड कुछ पढ़ रखा है तो उसका आप रिविजन करें। तो दूसरा रिविजन ये हो गया कि जो आपने पुराना पढ़ रखा है चाहे सेल्फ स्टडी की हो चाहे क्लासरूम का हो वो आप रिविजन करिए, क्योंकि रिविजन इज द की फैक्टर फॉर द प्रिपरेशन, ठीक। तीसरी चीज है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आप जो है स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस में दो पार्ट्स हैं, पहला आपका प्री के लिए प्रैक्टिस, दूसरा मेंस के लिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्री में क्या होगा कि आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करिए। सेकंड जो है मेंस के लिए लिखना शुरू करिए। अब शुरू में आप आंसर राइटिंग आपके लिए मुश्किल होगा लिखना, तो आप पहले नोट्स, शॉर्ट नोट्स, नोट्स लिखना शुरू करिए, फिर धीरे धीरे आप आंसर की तरफ स्विच कर जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां से सॉल्व करना शुरू करिए, तो प्रैक्टिस ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये बिगनर्स के लिए सबसे पहले ये बातों को ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो न्यू लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको डेली आपको करना है, मतलब ये आप छोड़ नहीं सकते। ये न्यू लर्निंग डेली अपने आप से पूछो कि आपने आज नया क्या सीखा, रिविजन में आप देखो आपने क्लास का रिविजन किया प्रॉपर या नहीं किया, और ओल्ड रिविजन के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट अपने साथ रखो उसको रिविजन करो, ठीक है, और उसके बाद में आप प्रैक्टिस पे पूरा पूरा ध्यान दो। इसमें से कोई भी चीज आप मिस करते हो तो इसका मतलब आप ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। कोई भी टीचर या कोई भी क्लास आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता है या थोड़ा बहुत आपको पढ़ा सकता है, ये नहीं है कि आपके हिस्से का सारा काम वो करेगा। रिवीजन और प्रैक्टिस आपके हिस्से का काम है और न्यू लर्निंग न्यूज़पेपर से भी आप ही के हिस्से का काम है। मेन चीज ये है क्लासरूम में वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और चीजें पढ़ा देंगे, लेकिन आपको रिवीजन और प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, कुछ न्यू लर्निंग भी खुद करनी पड़ेगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की नहीं। अपनी जिम्मेदारी को समझिए कि आपको क्या करना है, आपके पार्ट पर आप कहीं लैग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है शुरू में, ठीक है वो कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, कहीं कितना भी ज्यादा पढ़ा ले और कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सब भूल जाएंगे, ऐसा लगेगा कभी पढ़ाई नहीं है, ठीक है। फिर बाद में आप किसी को भी ब्लेम करते रहें, आप कहते रहें कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, कोचिंग अच्छी नहीं थी या व्हाटएवर कुछ भी कहते रहें, आप किसी को अपने टीचर को ब्लेम करिए या अपने पेरेंट्स को ब्लेम करिए, वो आपके आप करेंगे ब्लेम, लेकिन आपको क्या चाहिए कि आप सोचिए कि आप अपने अपने पार्ट पर काम किया या नहीं किया, ठीक है। तो पहले तो आप न्यू लर्निंग जो भी हो रहा है ठीक है उसको ध्यान दीजिए, न्यू लर्निंग के बाद में आप जो है रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवीजन के बाद में आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। न्यू लर्निंग आपको टीचर न्यू लर्निंग करवा देता है, क्लासरूम पढ़ा देता है, लेकिन आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, आप घर पे जाके रिवीजन नहीं करते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो फिर आप कैसे निकालोगे एग्जाम, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे एग्जाम आपको लिखना है, टीचर को नहीं लिखने जाना है, ठीक है, ना किसी आपके पेरेंट को लिखने जाना है, वो कह सकते हैं बेचारे। आपको पढ़ाई सारी खुद करनी है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको लग के पढ़ना है, तो आप जब तक इस चीज को समझेंगे नहीं कि आप। और एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि एक सोर्स पे रिलाई करिए। मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें सोर्सेज मैंने बता दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं कि कौन से सोर्सेज से पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, लेकिन प्लीज कीप इन माइंड एक बात, बॉटम लाइन याद रखिएगा हमेशा के लिए कि एक किताब को 10 बार पढ़ना इज बेटर देन 10 किताबों को एक बार पढ़ने से। आप दिस इज द क्राइम कि अगर आप एक किताब को ठीक से और स्टैंडर्ड बुक है उसको ठीक से नहीं जानते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट को नहीं समझते और दूसरी तीसरी चौथी बुक पे स्विच कर रहे हैं, ये बेवकूफी है और ये मत करिए, क्योंकि इससे बहुत लोग गर्त में चले गए हैं। आप लक्ष्मीकांत अगर एक उठा लिया आपने या डीडी बसु उठा लिया, जो भी किताब आपके समझ में आ रही है, लक्ष्मीकांत ल्यूसिड बुक है, बहुत ही आसान बुक है, उसको जब तक आप नहीं समझ लेते हैं अच्छे से, फिर आप डीडी बसु भी उठा लीजिए, फिर आप जो है पीएम बक्सी भी उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है, सिंपल है।
एक किताब को आप 10 बार पढ़िए इज बेटर देन 10 किताबों को एक बार पढ़ने से। आप लिख तभी पाएंगे जब आपके दिमाग में कंटेंट पूरा अच्छे से तैयार होगा, ठीक है, तभी लिख पाएंगे, अदरवाइज आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। एक बेसिक जो वो है फाउंडेशन बन जाएगा तभी आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप जो है एक बुक को बार 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 मल्टीपल रिविजन करिए और लिखने की बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इशूज पे सोचिए, अपने प्रोज एंड कॉन्स एडिटोरियल पे सोचिए, वो सब अलग एक जगह पे है, लेकिन आपको बार बार रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। 10 किताब एक सब्जेक्ट टॉपिक के लिए 10 किताबें पढ़ने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक टॉपिक के लिए एक किताब पढ़िए और उसको 10 बार पढ़िए, दैट इज बेटर, ठीक है। ये बॉटम लाइन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। न्यू लर्निंग, रिविजन एंड प्रैक्टिस अगर रेगुलर करेंगे तो ये एग्जाम कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है। अगर आप रेगुलर विद डिसिप्लिन आप पढ़ते हैं तो आप निकाल देंगे इस एग्जाम को, ठीक है। मोटिवेशन 2-4 दिन 10 दिन काम करेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हैं पढ़ने के, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, अपनी विल पावर को इतना मजबूत कर लेते हैं कि भाई कुछ भी हो मुझे अपने गैप्स को फिल करना है, जो भी मुझे टाइम एसेंशियल जो भी काम है उनके बाद जो कुछ भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसमें सिर्फ अपनी पढ़ाई करूंगा, अपने करियर पर फोकस करूंगा, तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत टफ नहीं है। बस ये है कि आप मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, किसी ने भी आपको मोटिवेट कर दिया, आपने मोटिवेशन वीडियोस देख ली और आप बहुत मोटिवेट हो गए पढ़ने के लिए, आप 4-5 दिन मोटिवेट रहेंगे, उसके बाद में फिर आपका मन करेगा नहीं यार आज तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा। फिर डिसिप्लिन अगर आपके अंदर होगा तो आप उठ के पढ़ेंगे जरूर, मैकेनिकल स्टाइल में आप स्टार्ट करेंगे पढ़ाई और उसके बाद दिल लगने लगेगा, दिल नहीं कर रहा है तो भी पढ़ेंगे, डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन में क्या होता है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन के लिए। आपका नहीं मन कर रहा है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मोटिवेशन कुछ दिन काम करेगा लेकिन डिसिप्लिन जो है वो हमेशा काम करेगा। डिसिप्लिन से ही आप एग्जाम निकाल सकते हैं, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं निकाल सकते। मोटिवेशन जरूरी है लेकिन मोटिवेशन बनाए रखना है, डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपका मोटिवेशन 2 दिन के लिए मोटिवेशन हो, बाकी 5 दिन जो है आप डिसिप्लिन ना रहे तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो मोटिवेशन विद डिसिप्लिन, मोटिवेशन के साथ साथ आपके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट इस साल के लिए, जो लोग आईएएस प्री 2020 लिखने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैंने बता दी है, आप लोग जो है इसको फॉलो करें, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं।